हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वराज ऑल इन वन चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं कुछ अलग टाइप से समोसे, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और जिस तरह से हम समोसे खाते हैं तो उसमें जो शेप होता है तो काफ़ी लोगों को बांधना भी नहीं आता है, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो पूरा टेस्ट भी आपको मिल जाएगा और झटपटे बन के तैयार भी हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 कप मैदा, इसे मैंने छान लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन, इस तरह से थोड़ा सा मसल लिया है मैंने इसको। और इसमें डालेंगे अभी मसाले, तो ये नमक, और इसी में डाल देंगे ये रिफाइंड ऑयल, ये तेल है जो भी हम यूज़ करते हैं किचन में वही। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच इतना डाला हुआ है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे आटे में, काफ़ी अच्छे से इसे बाइंड करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से मूड बिल्कुल बन रही है, मतलब कि जो भी हमने तेल डाला है 2 चम्मच वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हम पानी डाल के इसका आटा लगा लेंगे, और ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमें टाइट डो रखना है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे गूँथ लिया है, तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम इसे निकाल देंगे एक अलग बाउल में। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े बॉईल किए हुए आलू को कद्दूकस कर लिया है, आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी, आमचूर पाउडर, और इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, जीरा पाउडर है भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, 1-1 चम्मच ये लिया हुआ है। आप चाहे तो हरी मिर्च के साथ इसे पीस कर भी ले सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और हरा धनिया इसमें डाल दिया है, तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं, ताकि जो बाइंडिंग है वो अच्छे से आ जाए, और जब भी आलू ले तो ज़्यादा ओवर कुक ना करें। तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा, ये 2 चम्मच में यहाँ पे मैदा ले रही हूँ, और इसमें एक थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे हम, ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, इसका क्या करना है तो ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो यहाँ पे जो आटा हमने लगाया हुआ था, तो उसमें से 1 लोई मैं इसमें से ले लूँगी, और एक बड़ी साइज़ की हमें इसकी रोटी बेलनी है। तो यहाँ पे मैं सूखा मैदा लगा लूँगी थोड़ा सा, ताकि चिटके नहीं, और ये मैं प्लेटफॉर्म पे ही इसे अभी बेल लूँगी। और इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी, इसमें थोड़ी सी धार है तो मेरे पास यही 1 बड़ी साइज़ की प्लेट थी, तो मैं इसी से कर रही हूँ, आप किसी और प्लेट से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा शेप आया हुआ है, और जो भी रोटियाँ मैं अभी बना लूँगी तो सेम इसी आकार में साइज़ में बना लूँगी। और यहाँ पर जो हमने मसाला रेडी किया हुआ था तो उसको भी थोड़ा सा शेप दे देंगे, ताकि हम उस पर अच्छे से रख पाए। तो इस तरह से थोड़ा सा लंबा आकार हमें इसे दे देंगे, और इस तरह से मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही रख रही हूँ, आप थोड़ा सा छोटा ले लीजिए, और रोटी इससे थोड़ी बड़ी आप लीजिए। ये जो रोटी है मेरी थोड़ी सी छोटी हुई है, आप थोड़ी सी बड़ी ले, ताकि इसमें शेप देना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैं बाकी सब अरेंज कर लूँगी, और जो हमने घोल बनाया हुआ था मैदे का, तो ये अब काम आएगा इनमें, अभी जो हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे तो चिपक जाएंगी। इस तरह से सील पैक करने के लिए हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे, हर गैप में जो भी बीच बीच में गैप है हर इसमें लगा देंगे, और बीच में भी मैंने लगा दिया है। और इस तरह से हम भी दूसरी रोटी यहाँ पे अरेंज कर देंगे, बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही बढ़िया बन जाती है। ज़रूर बना के देखिए, वैसे समोसे अगर बनाने चाहे तो हर किसी को उसका शेप देना बिल्कुल
आसान नहीं लगता है और ये इजीली आप बना सकते हैं, जब चाहे तब आप बना सकते हैं। बस मसाला थोड़ा सा तैयार करके आप 2 दिन के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं और या फिर इस तरह से पैकेट बना के भी आप रख सकते हैं बिना फ्राई किए हुए, और जब भी मन करे आप तब इसे फ्राई करके खा सकते हैं। ज़रूर बना के देखिए और आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे। तो अभी हम कर लेंगे इनको कट, इनके छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं वो तैयार कर लेंगे, बीच बीच में से जो शेप आ रहा है उसमें से हम कर लेंगे इसको कट। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इनको अभी मैं उठा लूँगी एक एक करके, और जो साइड है उनको थोड़ा सा हम दबा देंगे क्योंकि जो फिलिंग है वो मैंने थोड़ी ज़्यादा भर दी है, आप थोड़ा कम भर सकते हैं ताकि शेप देना आसान हो जाए। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसी तरह से मैं बाकी के पॉकेट्स भी बिल्कुल तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे तेल भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है और ये तेल मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया हुआ है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है वरना अंदर मतलब जिस तरह से हमें क्रिस्पी समोसा चाहिए उस तरह से नहीं बनेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म करना है और पूरी तलने तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। तो जब तक ये समोसे फ्राई होते हैं तो हम दूसरे पॉकेट्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से अलग स्टाइल में कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी ली है और उसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से पहले पूरे पैकेट्स बना ली थी सेम उसी तरह से ही है, लेकिन मैं पहले कट कर रही हूँ। और इस पर इस तरह से हम लगा देंगे एक आलू की टिक्की छोटी सी ली हुई है मैंने। और एक बात मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि रोटी आप थोड़ी बड़ी लें, मेरी जो बेली हुई रोटी है वो थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा राउंड शेप कर लूँगी और जो घोल बनाया हुआ था वो भी आप बीच में लगा सकते हैं ताकि वो चिपके नहीं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी नहीं निकलेंगे। तो मैं इस तरह से दो आपको बना के बता देती हूँ और थोड़ा सा दबा दीजिए इसको इस तरह से हल्का हल्का, और जो बनाया हुआ था मैदे का घोल तो आप वो भी लगा सकते हैं ताकि चिपके मतलब अच्छे से चिपक जाए। तो बाकी के पॉकेट्स में इस तरह से बना रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 टाइप से आपको पॉकेट्स बनाना बता रही हूँ, एक इस तरह से और एक तो मैंने पैकेट्स वो बनाया हुआ था वो अलग है, ये अलग है थोड़ा सा, पर खाने में दोनों ही बहुत ही बढ़िया, आपको मज़ा आ जाएगा उसमें। तो ये बिल्कुल फ्राई होके तैयार है आप देख सकते हैं। और जब मैं वो तल मतलब बेल रही थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टर्न कर लिया था एक साइड, तो ये भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अभी इन सबको मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से और बिल्कुल समोसे की तरह ही ये दिख रहे हैं, काफ़ी क्रिस्पी, देखने में ही काफ़ी अच्छे क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। तो आप भी ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसे लगे आपको। तो फिर से मैं बाकी के जो दूसरे मैंने बनाए हुए थे तो उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो ये भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो इनको भी मैं टर्न कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने प्यारे दिखने में हैं, खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इनको भी मैं अभी एक प्लेट में निकाल दूँगी। अभी आप देख सकते हैं कितने प्यारे, बिल्कुल देखते ही मुंह में पानी आने वाला है। और पॉकेट्स भी बनाए हुए हैं और कुछ सिंपल इसमें मैंने बनाए हुए हैं राउंड में और बहुत ही क्रिस्पी ये बने हुए हैं, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं इसकी। और मैं एक आपको खाकर भी बताती हूँ, वैसे पहले ही बच्चों ने काफ़ी खा चुके हैं जो भी अभी मैंने उठाया हुआ है राउंड वाला, तो ये थोड़े ज़्यादा बने थे लेकिन बच्चों ने खा लिए हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है, अमेजिंग। आप ज़रूर बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगी, बहुत ही बढ़िया ये लग रही है खाने में। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
Yeah.